नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बढ़ सकती है लॉकडाउन की अवधि, पड़ोसी राज्यों की सीमा भी हो सकती है सील। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य में कोरोना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बताते चले कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक ही है। सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री 4 मई यानी आज लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान जिलों के अधिकारियों से कोरोना की स्थिति पर बात करेंगे। फिर अगले दिन यानी कल जो है 5 मई को आपदा प्रबंधन पदाधिकार की बैठक भी संभावित है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बार पड़ोसी राज्यों खासकर बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड में संक्रमण कम है। सरकार पड़ोसी राज्यों की सीमा सील करने पर विचार कर रही है और इस पर अंतिम रूप से फैसला 5 मई को ही लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6899 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वही 129 मरीजों ने तोड़ा दम। झारखंड में बीते 24 घंटे में 129 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले रांची से 38 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा पूर्व सिंहभूम में 22, धनबाद के 12, रामगढ़ और सिमडेगा में 7-7, हजारीबाग से 6, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा और खूंटी में 4-4, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा, लातेहार और पलामू में 3-3, लोहरदगा में 2, गुमला, पाकुड़, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम में 1-1 मरीजों की मौत हुई है। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची में 977, इसके अलावा बोकारो में जो है 397, चतरा में 242, देवघर में 185, धनबाद में 130, दुमका से 122, पूर्व सिंहभूम से 731, गढ़वा से 61, गिरिडीह से 271, गोड्डा से 257, गुमला में 363, हजारीबाग से 944, जामताड़ा में 146, खूंटी से 206, कोडरमा में 280, लातेहार में 245, लोहरदगा 105, पाकुड़ से 110, जो है पलामू में 178, रामगढ़ में 410, साहिबगंज से 49, सरायकेला से जो है 149, सिमडेगा में 87 और पश्चिम सिंहभूम में 157 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में घूस लेते रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने की कार्रवाई। झारखंड के पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है और रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसे जो है छत्तरपुर प्रखंड कार्यालय परिषद से ही अरेस्ट किया गया है। यह रोजगार गारंटी अधिनियम के फॉर्म पर हस्ताक्षर के एवज में 10,000 रुपये बतौर घूस मांग रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कास पहना होता हेलमेट तो शायद बच जाती जान। कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक की मौत। स्विफ्ट डिजायर को छोड़ भागे दो लोग। जो गिरिडीह के देवरी खिजूरी मेन रोड पर देवरी थाना क्षेत्र के केरिडी गांव के पास मंगलवार अहल सुबह स्विफ्ट डिजायर और बाइक में जोरदार टक्कर हो जाने से बाइक सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। साथ ही दोनों वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं कार के जो है चालक सहित उस पर सवार एक और व्यक्ति भागने में सफल रहे। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाइक सवार युवक ने हेलमेट पहना था। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार युवकों को कार लगभग 50 मीटर तक घिसटते हुए ले गई और खुद जो है सड़क किनारे एक गड्ढे में फंस गई। मृतक की उम्र जो है 20 से 30 साल के करीब मानी जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर देवरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर ठगों ने रांची डीसी को भी नहीं बख्शा। डिप्टी कमिश्नर रांची का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे ठग रहा था। शिकायत के बाद साइबर डीएसपी ने डिसेबल करवाया अकाउंट। साइबर ठग अब आम लोग की जगह आला अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगने वाले ठग ने रांची के डीसी को भी नहीं बख्शा। डिप्टी कमिश्नर रांची के अकाउंट की क्लोन आईडी बना ली। इसके माध्यम से वह डीसी से कई लोगों से पैसे की मांग कर रहा था। साइबर डीएसपी जो यशोधरा ने बताया कि सूचना मिलते ही साइबर ब्रांच की तरफ से आईडी को डिलीट करने के लिए आवेदन दिया गया था और सोमवार रात फेसबुक ने इस पर कार्रवाई करते हुए क्लोन अकाउंट को डिलीट कर दिया था। कार्रवाई के लिए डीसी रांची ने एसएसपी रांची को आवेदन भी दिया है और पुलिस फ्रॉड को जो है ट्रेस करने में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतगढ़ चायबासा में NH-75 पर हादसा। पिकअप वैन की भिड़ंत से बाइक सवार दो की मौत। टक्कर से एक हवा में उछलकर नीचे गिरा, दूसरे को वैन ने 30 फीट तक घसीटा। चेतगढ़ चायबासा NH-75 मेन रोड पर जो पट्टा जेट गांव के पास मंगलवार को बाइक और पिकअप वैन की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वैन हादसे के बाद सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। वैन और जो है बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो है बाइक के पीछे बैठा युवक 5 फीट ऊपर हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया, जबकि जो है दूसरे युवक को वैन करीब 30 फीट तक घसीटते ले गई। हादसे के बाद ड्राइवर वैन को जो है मौके पर छोड़कर भाग निकला, जबकि खिलाफ
तलाशी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसे जो है चंपुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जो है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वही क्षतिग्रस्त गाड़ियों को जब्त कर थाने ले आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परेशान ना हो, हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ले मदद। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड का निर्माण किया जा रहा है। वहीं नए नए भवनों को अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड कंट्रोल रूम 104 का गठन किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे कोरोना संक्रमितों की परेशानी सुनी जा रही है, जो उन्हें विशेषज्ञों द्वारा कोरोना से बचाव के उपाय बताए जाते हैं। राज्य सरकार की तरह रांची जिला प्रशासन ने भी कोविड हेल्पलाइन नंबर रांची जिला के लोगों के लिए जारी किया है। इसके तहत लोग जो है 06512431444 पर अपनी परेशानी विशेषज्ञों के जो है सामने रख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बोकारो में जमीन से अचानक निकलने लगी आग की लपटें, उबलने लगा पानी। झारखंड के बोकारो जिले के लुगु पहाड़ की तलहाटी व उग्रवाद प्रभावित ग्राम पंचायत तिलैया के ग्राम तिलैया स्थित बोकारो नदी के ठीक सामने जो है बड़का गढ़ा में अचानक जमीन के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी। इससे ग्रामीण में अफरा तफरी मच गई और लोग इस घटना को देखने जुटने लगे। अचानक से उठ रही आग की लपटों के अलावा आसपास जमा पानी भी उबलने लगा। इससे ग्रामीण दहशत में है। घटना की सूचना मिलते ही जागेश्वर बिहार थाना प्रभारी कन्हैया राम व एएसआई राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी ने वरीय अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए पोकलेन की व्यवस्था कर निकल रही आग के ऊपर मिट्टी डलवाई, लेकिन एक घंटे के से अधिक का प्रयास विफल रहा और इस दौरान आग की लपटें और तेज होती दिखी, जिससे मिट्टी भी काली पड़ गई। बहरहाल थाना प्रभारी द्वारा ग्रामीणों को हिदायत दिया गया है कि किसी भी कीमत पर घटना स्थल के 500 मीटर के दायरे तक प्रवेश न करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मछली की कीमत में 20 से 30 रुपए की गिरावट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मछली के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। मछली की कीमत में अचानक 20 से 30 रुपए की गिरावट आई है। शालीमार बाजार थोक मंडी में रेहू मछली की बिक्री 115 रुपए से 118 रुपए प्रति किलो हुई है। पहले इसकी कीमत जो 125 से 130 रुपए थी, वही जिंदा रेहू मछली 100 से 120 रुपए की दर से बिक रही है। इसके अलावा जो है कतला मछली 200 रुपए से 240 रुपए किलो बिक रही थी, जो अभी 140 रुपए से 150 रुपए किलो बिक रही है। वही जो पंगास मछली की बिक्री 90 रुपए किलो की दर से हुई है। इसी तरह चिंगड़ी मछली 400 रुपए और मुंगारी 105 से 110 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मछली विक्रेताओं के अनुसार मछली की मांग में गिरावट के कारण कीमत में कमी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ममता बनर्जी कर लेगी सीएम पद की शपथ। ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी। तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचन विधायकों ने जो है बनर्जी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है। विमान बनर्जी नई विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंजूनाथ भजेंद्री फिर बने देवघर के उपायुक्त। निशिकांत दुबे ने दिया विशेष अधिकार हनन नोटिस। मंजूनाथ भजेंद्री देवघर के नए उपायुक्त होंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। उनके स्थान पर नैमसी सहाय को उपायुक्त बनाया गया था, जो कार्मिक विभाग ने मंजूनाथ भजेंद्री को फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापित की अधिसूचना जारी की है। नैमसी सहाय को जो है स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद जो है निर्देशक पशुपालन एवं पदस्थापित किया गया है। उन्हें जो है मिशन निर्देशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विशेष अधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजेंद्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की शिकायत की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की तैयारी। पलामू के हैदरनगर सब्जी बाजार को प्रशासन ने किया शिफ्ट। रोजाना हो रही थी काफ़ी भीड़, उड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जो हैदरनगर मुख्य चौक बाजार पर सब्जी बाजार में लग रही भीड़ की जानकारी मिलने पर प्रशासन मंगलवार की सुबह हरकत में आया और सभी सब्जी विक्रेताओं को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैदरनगर हाई स्कूल के खाली मैदान में सब्जी की दुकान लगेगी। कुछ दिन से सब्जी बाजार में रोजाना काफ़ी भीड़ देखी जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।